पीएम किसान सम्मान निधि योजना ईकेवाईसी सबके लिए ज़रूरी हो गया है। जो किसान भाई किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं उन सबके लिए ईकेवाईसी कराना ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ईकेवाईसी कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ पे सर्च बार में टाइप करेंगे पीएम किसान। इस तरह से इंटरफेस आएगा स्क्रीन पे, नीचे दिख रहा है पीएम किसान, यहाँ पे क्लिक कर दें। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे चल रहा है ईकेवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर, प्लीज़ क्लिक ईकेवाईसी ऑप्शन इन फार्मर कॉर्नर फॉर आधार बेस्ड ओटीपी ऑथेंटिकेशन एंड फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। मतलब ईकेवाईसी किसानों को कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। दो तरीके से करवा सकते हैं, एक बायोमेट्रिक यानी फिंगर देके और एक ओटीपी। तो ओटीपी से तभी होगा जब आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होगा। तो कैसे केवाईसी करें, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप ई केवाईसी न्यू। तो यहाँ पर प्रोफाइल जैसा लोगो दिख रहा है रेड कलर का, आई केवाईसी के लेफ्ट साइड, यहाँ पर क्लिक कर दे। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। तो हम आधार नंबर डाल लेते हैं। तो आधार नंबर डालने के बाद हमने यहाँ पे इमेज टेस्ट पे ये कैप्चा भी हमने फिल कर दिया ये वाला, और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं। ओहो ये क्या आ गया, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। एक मिनट देखते हैं ज़रा। जी हाँ दोस्तों, तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा। तो आपको करना क्या है, इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। ये जो कैप्चा दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करके रखना है, थोड़ी देर दबा के रखना है 2-3 सेकंड तक। तो इस तरह से स्क्रीन पे ओपन इमेज इन न्यू टैब, इस पर क्लिक कर दें। आपको नीछे यहाँ पर देखना है कि दो टैब ओपन है कि नहीं, तो फिर आपको दूसरे वाले पे क्लिक कर लेना है। तो आपको इस तरह से कैप्चा दिख जाएगा, यही कैप्चा आपको वहाँ पे फिल करना है। तो फिल करने के लिए फिर से इधर ही क्लिक करें टैब पे, जो नीचे दो टैब दिख रहा है, जिस टैब पे पहले ओके था उस टैब पे ही क्लिक करें। तो हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दें। तो सर्च पे क्लिक कर दें तो आपके स्क्रीन पे इस तरह से इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं आप। मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे आप, फिर यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर दें। गेट ओटीपी, कुछ देर वेट कर दें, ओटीपी का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हमारे फ़ोन में एक ओटीपी आया 8007540 8007540, सबमिट फॉर ऑथ पे क्लिक कर दे। सबमिट फॉर ऑथ पे क्लिक कर दे। तो ये देख सकते हैं हमारा ईकेवाईसी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ईकेवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। हमने आपको दिखाया ओटीपी के थ्रू, तो इस तरह से आप ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। अगर लेकिन उससे पहले बता दें कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप ओटीपी से कर पाएंगे घर बैठे अपने मोबाइल से।